मालहोन हातुन यानी एल्दिस चगरी इतिकसोई की कुछ नाजिबा तस्वीर और वीडियोस क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसे देखने के बाद इनकी तमाम मदाह बहुत अबसुरता है। वो तमाम वीडियोस और तस्वीर आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। प्यारे दोस्तों, ड्रामा क्रोश उस्मान में मालहोन हातुन का एक बापर्दा किरदार अदा करने के बाद लोग इस तुर्कश अदाकारा की दीवाने हो गई थी। मशहूर तारीख ड्रामा क्रोश उस्मान में अदाकारी करने के बाद इन्हें न सिर्फ तुर्की में बल्कि पूरी दुनिया में काफ़ी इज्जत और शोहरत मिली, और इनकी इस इज्जत और शोहरत की खास वजह ड्रामा क्रोश उस्मान में इनका बापर्दा किरदार था। और ड्रामा क्रोश उस्मान में इनकी इसी बापर्दा किरदार को देखकर सब लोगों को ये लगने लगा था कि शायद ये अदाकारा अपनी बाकी यानी असल ज़िंदगी में भी ऐसी बापर्दा और बाहया होगी। लेकिन इनकी इन ताज़ा तस्वीर और वीडियोज़ ने इनकी तमाम मदाहों को एक ज़ोरदार धचका लगा दिया। प्यारे दोस्तों, हफ्ते की रोज़ इन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीर और वीडियोज़ शेयर की, जिसमें इसने ऐसा नाजेबा और घटिया लिबास पहना था, जिसे देखने के बाद हर किसी का रिएक्शन कुछ ऐसा था, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। इनकी कुछ क्लिप्स और तस्वीर तो ऐसे थे जो दिखाने के काबिल बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन इनकी खुशकिस्मती ये थी कि फिर जल्द ही इन्होंने वो डिलीट कर दी, वरना आज ये अदाकारा कहीं भी मुंह छुपाने के लायक नहीं होती। आखिर में मैं इनकी तमाम मदाओं से यही कहना चाहूँगा कि ये अदाकारे है और इनके लिए ये सब कुछ करना आम और मामूली बात है। लेकिन मेरे उन लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ इस्लामी तारीख पर बनाई जाने वाले ड्रामों में ऐसे बेहया अदाकाराओं को कास्ट बिल्कुल ना करें। प्यारे दोस्तों, इसके बारे में आप क्या राय रखती है? अपना राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।